أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين امام المرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آغاز کلام وہ معبود برحق کی ستائش سے کہ جو خلاق عالم وہ کائنات کا مالک ایسا مالک ہے ہمارا وہ پروردگار عزیزو جو ستار العیوب ہے ہمارے عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے وہ معبود یگانہ جس کی پرستش حق ہے اس کی عبادت حق ہے اس کی بندگی حق ہے پہلی محرم سے آج 10 محرم آ گئی حق کے عزا ہم نے ادا نہیں کیا میں بارہا کہہ رہی تھی واقعی عزیزوں ہم نے حق کے امام حسین ادا نہیں کر پائے امام حسین کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے اپنے پروردگار کے لیے خون ناحق کو بہایا گیا آج ہی کے دن عزیزوں آج کا دن قیامت کا دن ہے آج کے دن رولے رلا لے ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے عزیزوں کہ اگر کوئی دیکھے تو یہ فکر کرے کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے کیونکہ آج کے دن آسمان رویا آج کے دن زمین روئی آج کے دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی آج کا دن جناب زہرا کے گھر کے لیے قیامت والا دن تھا آج جناب زہرا کا گھر اجڑ گیا ارباب اعظم وہ زہرا ہے مرضیہ وہ کائنات کی شہزادی جو اپنے بابا کی ایک لوتی بیٹی جن کے بابا نے ان کے لیے کہا تھا فاطمہ تم بزا تم منی اے فاطمہ تم میری پارے تن ہو فاطمہ کا لاڈلا حسین جناب زہرا ان کے تمام بچے ان کے لیے بہت عزیز تھے ارباب اعظم مگر آقا حسین سب سے چھوٹے پنجتن کی آخری کڑی آج پنجتن کا خاتمہ ہو جائے گا عصر عاشور سب کچھ ختم ہو جائے گا ارباب اعظم جناب زینب تنہا رہ جائیں گی آقا سجاد اکیلے رہ جائیں گے کچھ باتیں اور بتا دوں
रोज़े आशूर नमोदार होने से पहले जब शब आशूर आई है ना अरबाब अज़ा, तो शब आशूर अभी शब नहीं हुई, दिन था ही कि शिमर मलाऊन जब वारिद हुआ है करबला में लश्कर वालों को लेके, और ये ऐसे ज़मीन पे चल रहे थे अपने घोड़ों के साथ कि बाकायदा ज़मीन लरज़ रही थी। जब ये बीबियों के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ें आई है तो बीबियों के दिल दहल गए, बच्चे भी बेचैन हो गए। अजीज़ों, अब देख, एक दफ़ा पता चला कि जो शकी आए हैं तो इसने जंग लेकर आ चुके हैं, ये चाहते हैं कि जंग अभी ही शुरू हो जाए। एक दफ़ा जनाब ज़हनम ने अपने भैया से कहा, ए भैया, ए मेरे माजाए हुसैन, ये देखो फौज अश्किया हमारे खैमों की तरफ आ रही है। एक दफ़ा आकाब अब्दुल्ला मौला अब्बास से कहते, अब्बास, जाओ इनसे मालूम करो कि आखिर वजह क्या है। एक दफ़ा मौला अब्बास, जनाब मुस्लिम ने औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर और भी शहीद करबला पहुँचते हैं और इमाम हुसैन के पैगाम को मौला अब्बास पहुँचा रहे हैं और कहते हैं इन शकियों से कि ठहर जाओ। न जाने मौला अब्बास की वो सदा में कैसा रोब था अज़ीज़ो कि घोड़े अपने आप रुक गए। वाकया अगर मौला अब्बास को जंग करने की इजाज़त मिल गई होती अज़ीज़ो तो करबला करबला ही नहीं रहती, मगर वाकया ने मसलहत खुदा थी। ये इम्तिहान इमाम हुसैन था, ये सब्र इमाम हुसैन था, जो अल्लाह को पूरी दुनिया वालों को ता कयामत तक का के लिए बताना था कि देखो हुसैन क्या है, समझो हुसैन क्या है, जिसको हुसैन को जिसके लिए रसूल ने महबूब खुदा ने कहा है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये आम शख्सियत नहीं है आकाब अब्दुल्ला की। बहरहाल जब मौला अब्बास ने कहा तो तमाम फ़ौज रुक गई। अब मौला अब्बास जब गोया होते हैं कहते हैं कि आखिर बात क्या है। अब ये कहते हैं कि जंग की इजाज़त मिल गई है और हम अब चाहते हैं कि जंग शुरू हो जाए। मौला कहते हैं कि हम अपने आका से पहले पूछेंगे फिर आपसे बताएंगे। तो एक शकी कहता है कि यहाँ हम पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम बताने के लिए आए हैं। तो उसमें से दूसरा कहता है कि भाई अगर तुर्क दिलम के भी कैदी होते तो हम उन्हें भी इजाज़त दे देते। जब ये कहते हैं कि अपने आका से पूछेंगे और इजाज़त ले लेंगे तो इन्हें मोहलत दे दी जाए। अलगरज़ इमाम हुसैन के कहने के मुताबिक एक रात की एक शब की मोहलत मिल गई अज़ीज़ों। जो शब आशूर कल की रात गुजरी है, आका हुसैन ने अपने खुदा से राज़ो नियाज़ के लिए रात मांगी थी अज़ीज़ों। अपने अज़ीज़ों के साथ मौला की आखिरी रात थी। कहा जाता है इमाम हुसैन राज़ो नियाज़ इस तरीके से कर रहे थे और असहाब इमाम हुसैन इस तरीके से राज़ो नियाज़ कर रहे थे कि सरज़मीन करबला पे जिस तरीके से मधुमक्खियों की सदाए जब हवा में फिजाओं में गूंज उठती है, बस वैसी तस्बीह तहरील की सदाए असहाब इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की गूंज रही थी। सरज़मीन नैनवा तस्बीह तहलील में मशगूल हो गया था शब आशूर अज़ीज़ों। और तस्बीह तहलील के बाद मौला एक एक खेमे में जाते थे और देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। मुस्लिम ने औसजा के खेमे में गए कि देखे जनाब मुस्लिम अपने असलहे को साइकिल कर रहे हैं अज़ीज़ो। ये वलवला है, ये जोश है, इताअत इमाम हुसैन है कि जो जोश दिला रही है कि कल अपने आका पे अपने जा को निछावर करनी है। आना मोहम्मद के हुजरे में गए, जनाब कासिम के हुजरे में गए, जनाब अली अकबर के खेमे में गए। अलगरस एक एक करके तमाम के जब खेमों में आका हुसैन चले गए और सबका जोश और वलवला जो देख लिया, सब यही दर पे है कि कल हम सबसे पहले आका हुसैन के लिए अपनी जान को फिदा कर देंगे अज़ीज़ों। अलगरस रोज़े आशूर नमोदार हो गया। आज का दिन आया कि जिसके लिए कहा जाता है बहरुल उरूम, ये बहुत बड़े आलिम दीनों में से गुज़रे हैं अज़ीज़ों। इनको इनके ख्वाब में मौला अब्बास ने खुद आके कहा था कि बहरुल उलूम हमारी कब्र तैयार होने वाली है, तुम भी ज़्यारत के लिए आ जाना। इनके लिए मिलता है कि ये ज़्यारत पे आप अदा क्या करते थे। अब एक दफ़ा जब ये राह करबला हुए हैं तो इनके जहन में ख़याल आया
कि हमारे छठे आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी हमारे जद्द मज़लूम इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है तो अल्लाह हर कदम के बदले उसको हज व ज़ियारत का सवाब हासिल होता है, मिलता है, और उसके गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ कर दिए जाते हैं। अभी ये कहते हैं कि मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि एक जगह से एक घुड़सवार आ गए, नकाब पोश है, और जब जैसे ही वो मेरे पास आए हैं एक नशेब से, उन्होंने जैसे ही नकाब उल्टा तो मैंने देखा कि वो ज़माने के इमाम इमाम ज़माना अजरल्लाह ताला फरजहु शरीफ थे। अब मौला ने बहरुल उलूम से सवाल किया, बहरुल उलूम क्या शक रखते हो कि हमारे जद के लिए उनकी ज़ियारत के लिए इतने सवाब हैं? तो कहते हैं नहीं मौला, शक नहीं है, सिर्फ जानना चाहता हूँ। तो आका इमाम हुसैन इमाम ज़मान फरमाते हैं कि एक बादशाह जब अपने लश्कर वालों से बिछड़ गया एक जंगल में, और उसे जब एक झोपड़ी नज़र आई उस जंगल में, जब वो उस जंगल की झोपड़ी में गया तो उसने क्या देखा कि एक माँ अपने लड़के के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है और उसके पास एक बकरी भी है। अब ये बादशाह बड़ा भूखा था, उस मोमिना ने उस बकरी को ज़िबा करके अपने बच्चे को कह के उस बादशाह को खिला दिया। अब जब बादशाह पलट के अपने सल्तनत में आ गया, अपने महल में आ गया, तो ये अपने महल वालों से, अपने वज़ीरों से, अपने हमनशीनों से पूछने लगा कि आखिर इसकी जज़ा में क्या दूँ उस मोमिना को कि उसने मेरी जान बचा ली। तो कोई कहता है कि उसने आप पे एक बकरी दी तो आप 100 बकरी दे दो, आप अशरफियाँ दे दो। तो ये कहता है नहीं, मैं अगर पूरी सल्तनत भी दे दूँ तब भी कम है। तो इमाम ज़माना कहते हैं बस बहरुल उलूम कि हमारे जद ने जो अपना पूरा घर दे दिया तो क्या परवरदिगार इतना सवाब नहीं देगा? इमाम हुसैन को तो सवाब है ही अरबाब अज़ा, और इजाफत में चाहने वालों को भी अल्लाह ने ये जज़ा दी है, ये सवाब दिया है कि हर कदम पे मौला के सवाब का मुस्तहक करार पा रहा है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन। वो वक्त आ पहुँचा है कि इमाम के मसाइब को हम बयां कर लें। इतनी ताब नहीं है अजीज़ों कि मैं बयां कर लूँ, क्योंकि इमाम के मसाइब सुनाना बहुत कलेजा चाहिए। जब रोज़े आशूर नमोदार हो गई, एक के बाद एक अंसार आ गए, इजाज़त ले चुके, मौलाना मोहम्मद गए शहीद हो गए, अकबर गए शहीद हो गए, कासिम गए शहीद हो गए, अरे अब्बास गए नहर फरास हो गए। एक दफ़ा जब इमाम हुसैन का वक्त आया है ना अरबाब अज़ा, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अल्लामा मजलिसी के ख्वाब में जनाबे जहरा आके कहती है, मजलिसी तुम मेरे लाल के मसायब नहीं पढ़ते मजलिसी। एक दफ़ा अल्लामा मजलिसी कहते हैं, बीबी मैं आपके लाल के मसायब पढ़ता हूँ। बीबी बीबी कहती है, मजलिसी मेरे लाल की रुख्सत पढ़ा करो कि जब खैमे से वो मक्तल की तरफ चले हैं उस वक्त को पढ़ा करो। अलगरस कहा जाता है कि एक दफ़ा जनाबे फिज़ा के पास आते हैं इमाम हुसैन और कहते हैं कि अम्मा मेरा वो कुर्ता ले आइए। अलगरस जनाबे फिज़ा जाती हैं और संदूक खोल के आका अब अब्दुल्ला का कुर्ता लेती हैं, और जो ही चाहती हैं कि आका की तरफ पलटे, राह में जनाबे ज़ैनब से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें अरबाब अज़ा। ज़ैनब ने जब जनाबे फिज़ा को देखा कि कुछ हाथ में मौजूद हैं, तो कहती हैं अम्मा फिज़ा क्या लिए जा रही हैं? जनाबे फिज़ा चाहती नहीं अरबाब अज़ा कि ज़ैनब को पता चले कि मैं क्या लिए जा रही हूँ। एक दफ़ा कहती हैं कि अरे हुसैन ने कुर्ता मंगवाया है, मैं वो लेके जा रही हूँ। यहाँ पे जनाबे ज़ैनब गोया होती हैं, अरे ये क्यों नहीं कहती मेरे माँ जाए का कफन ले जा रही है। अल्लाह अकबर, अरे अम्मा जब जब ये कुर्ता सिला करती थी तब तब कहती थी कि ज़ैनब जब वक्त आखिर हुसैन होगा तो हुसैन आएंगे और तुमसे कुर्ता मांगेंगे। हाँ वो वक्त आ गया अरबाब अज़ा कि इमाम हुसैन ने कुर्ता मंगवा लिया। अलगरस कहा जाता है
एक दफ़ा इमाम रज़ा पिसर शबीब पहुँचे हैं इमाम रज़ा के पास और कहते हैं, मौला आज रोज़े आशूर का दिन है, मौला आप अपने जद के मसाइब सुना दीजिए मौला। एक दफ़ा इमाम रज़ा गोया होते हैं, ऐ पिसर शबीब, अरे हमें हमारे जद मज़लूम को मिसले गोश्त फंद ज़िबा किया गया। अजरकुम अल्लाह, अरे क्यों गोश्त फंद कहा? क्योंकि जब गोश्त फंद को ज़िबा किया जाता है ना तो उसे पानी पिला दिया जाता है, मगर हाय रे हमारे जद की मज़लूमी कि उन्हें प्यासा शहीद किया गया। अरे जब गोश्त फंद को शहीद किया ज़िबा किया जाता है ना तो उसे दूसरे जानवरों से अलहदा किया जाता है ताकि दूसरा जानवर ना देख ले। अरे मगर यहाँ पे सरजमीन करबला पे हमारे जद्दे मज़लूम को सबके सामने ज़िबा किया गया। ऐ पिसरे शबीब, अरे जब गोसवंद को ज़िबा किया जाता है ना तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। अरे मगर जब हमारे जद्दे मज़लूम को ज़िबा किया गया तो एक बहन 70 कदम की दूरी से देख रही थी। अल्लाह अकबर, अरे जनाब ज़ैनब ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। अरबाबे जरा तसव्वुर करें, जनाब ज़ैनब की मज़लूमियत पे हमारा लाखों सलाम। अलगरस बस वो वक्त आन पहुँचा कि आका हुसैन एक एक बीबी को सलाम कर रहे हैं। उम्मे लैला तुम पे मेरा सलाम, उम्मे फरवा तुम पे मेरा सलाम, ए रुकैया तुम पे मेरा सलाम, ए ज़ैनब तुम पे मेरा सलाम। अब जो सलाम आखिर हो गया अरबाब अज़ा, अब जो जुलजना पे आके बैठे मौला, अजब नहीं कि फुरात की तरफ देखा होगा और कहा होगा कि अब्बास कहाँ हो, देखो आज तुम्हारा भैया जा रहा है। अलगरज एक दफ़ा यहाँ मौला ने जुलजना को चाहा कि जुलजना आगे बढ़ जाए, मगर जुलजना आगे बढ़ता ही नहीं। अजब नहीं कि जुलजना अपनी बेज़बानी में कहना चाहता हो, मौला मेरे समों को तो देख लीजिए मौला। एक दफ़ा जू ही मौला ने निगाह नीचे की, क्या देखा कि सकीना, अरे जुलजना की समों से लिपटी बहन कर रही है। एक दफ़ा आका बाप दिल्ला जुलजना से उतरे, अरे बेटी को गोद में लिया, प्यार किया, अरे तरती रेत पे लेट गए आका, बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगे, अब मामूल बदल जाएगा, अब से असगर मेरे पास सोएंगे सकीना और तुम अम्मा रबाब के पास सोगी। अल्लाह अकबर, अरे बेटी जाने नहीं दे रही अरबाब अज़ा, ये तो दस्तूर दुनिया भी है, बेटियों को वालिद से बहुत मोहब्बत हुआ करती है, सकीना की यतीमी का वास्ता। जरा तसव्वुर करे वो सकीना जो अपने बाबा को जाने नहीं दे रही। अलगरज जनाब सकीना से इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी मुझे जाने दे दो बेटी। यहाँ पे जनाब सकीना कहती है, नहीं बाबा, जो भी सबसे मक्तल की तरफ गया है वो वापस नहीं आया बाबा, बाबा आप चले जाएंगे तो मैं यतीम हो जाऊँगी। अलगरस एक दफ़ा इमाम कहते हैं, बेटी तुम बहुत प्यासी हो ना बेटी, मैं थोड़ा सा पानी का इंतज़ाम किए देता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं, महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज़ के प्यासे हैं सकीना, अरे मौला की प्यास पे हमारी जाने कुर्बान। अल्लाह अकबर, अलगरस रे यहाँ पे सकीना ने दामन हुसैन छोड़ दिया, कहती है जाइए बाबा, आप पानी लेने जा रहे हैं इसलिए आपको जाने दे रही हूँ,
अलगरस यहाँ पे मौला सुलझना पे सवार हुए, अब जो पहुँचे मक्तल की तरफ, अरे जो फौजी अश्किया इमाम को देख के मुंतशिर हुई, उसके बाद मौला ने ऐसा बला का जिहाद किया कि लोगों को मौला अली याद आ गए। अरे मौला हमला करते थे और कहते जाते थे, तुमने मेरे ओना मोहम्मद को मार डाला, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, अरे हद तो ये है कि तुमने मेरे शिशमा है को भी ना छोड़ा। अजरकुम अलगरस। अरे एक शकी कहता है कि एक एक करके वार ना करो, ये अली का बेटा है, अरे चारों तरफ से वार करो। अब जो चारों तरफ से तीरों की बौछार, जो तलवारें लगने लगी, जो नैजे आने लगे, एक दफा मौला जुलझना पे संभल ना सके, अरे एक तीर मौला की पेशानी मुबारक पे लगा, एक शकी ने आगे बढ़ के नैजा जो पहलू पे मारा, अब आका हुसैन जी पे संभल ना सके, जी से जमीन पे जो हमारे मौला आए, अरे तीरों पे मौला अलगरस चीमरे मलाऊन आगे बढ़ा। अब जो ये आगे बढ़ा, अब भी मौला कह रहे हैं और बाबे कि शिमर बाज आ जा, अरे मैं अब भी तेरी शिफात करवा दूंगा, मगर ये बदबख्त को सिवाय हुकूमत की और कुछ नहीं चाहिए था। अलगरस अरे यहाँ पे 12 ज़र्बों में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, सर जमीन नैनवा हिलने लगी, अरे तूफान आ गया, फुरात का पानी नैज़ो उछलने लगा, अरे आसमां से खू की बारिश हुई, मुनादी ने निदा दी, अला को तिलल हुसैन बे करबला, अला सुबे हल हुसैन बे करबला। अरे जब असीर करके ले जाने लगे, तो यहाँ पे हर बीबी से जो ताल्लुक रखता था सर, उसके मद्दे मुकाबिल नोके नैजा पे सर वही शहीद का था। एक दफा जिस ऊँट पे जनाबे जैनब को बिठाया गया था, अरे उसके हमरा नैजे पे आका हुसैन का सर मौजूद था। जैसे ही जनाबे जैनब ने देखा अपने माजाए का सर मुबारक, एक दफ़ा कहने लगी, अरे क्या आज के दिन के लिए मेरी माँ ने चकिया पीस के हुसैन को पाला था। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा।